नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। पंजाब चुनाव के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पर्यवेक्षकों के नामों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, पार्टी की तरफ से हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार को भी जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि हार्दिक पटेल को जालंधर और कन्हैया कुमार को मानसा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहाँ के चुनाव पर दोनों पूरी नजर रखेंगे और पार्टी हाईकमान को जरूरी सूचनाएं देंगे। इसके अलावा लुधियाना ग्रामीण से जीतू पटवारी, लुधियाना शहर से अनिल चौधरी, फरीदकोट से गोविंद काम मेघवाल और मोगा जिले से पुष्पेंद्र भारद्वाज को पर्यवेक्षक बनाया गया है। चुनाव अभियान प्रबंधन और समन्वय बिठाने के लिए इन पर्यवेक्षकों का अहम योगदान रहता है। ऐसे में पंजाब में चुनाव की तैयारियों के लिए कांग्रेस ने युवा नेताओं को भी पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी दी है। गौरतलब है कि पिछले साल जब कन्हैया कुमार कांग्रेस में आए थे, तब राहुल गांधी ने उनका पार्टी में जोरदार स्वागत किया था। इसके साथ ही उन्होंने संदेश दिया था कि अब वो युवाओं की नई टीम बनाएंगे ताकि पार्टी को फिर से फॉर्म में लाया जा सके। अब पर्यवेक्षकों की इस लिस्ट से साफ पता चल रहा है कि पार्टी युवा नेताओं को काफी अहमियत दे रही है। इससे पहले कांग्रेस ने पंजाब चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की थी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब से चुनाव लड़ेंगे, जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्व से मैदान पर होंगे। वहीं इनके अलावा डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा डेरा बाबा नानक सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद पंजाब के मोगे से उम्मीदवार है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।